हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो अभी मैं बनाने जा रही हूँ कचरी का चोखा। तो माही के पापा मार्केट से कचरी लेके आए थे। मैं रोड साइड किसी भी जगह पे मिल जाता है, स्ट्रीट फूड में ही आता है। ये दाल से बनाया जाता है। तो कचरी तो पहले से बनाया हुआ है। इसमें मैंने डाला है चॉप्ड करके प्याज, हरी मिर्च, धनिया की पत्ती को डाला है। साथ ही साथ मैंने थोड़ा सा लेमन जूस डाला है और नमक और सरसों का तेल। बस इन सबको डाल के और इसमें मिक्स कर देंगे अच्छे से। और यहाँ पे मेरा क्विक वाला कचरी का चोखा बन के रेडी है। और ये दाल चावल के साथ खाने में बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगता है। आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा अगर आप पटना से हो। और यहाँ पे मेरा सुबह सुबह बिग बास्केट से ग्रॉसरी भी आ चुका था, तो बस मैं वही सारी चीज़ें ले रही थी जो रोज़मर्रा की चीज़ें होते हैं। और इसी के साथ मैं जा रही हूँ माही के पापा को उठाने। लेकिन देखो अभी उठेंगे नहीं, अभी उनका नौटंकी चलेगा। और अभी पता है सुबह का कितना बज रहा है, 9 बज रहा है। और मैं उनको उठाने का कोशिश कर रही थी। ये भी ना सुबह में उठते हैं तो सबसे पहले गर्म पानी पीते हैं, तो मैं गर्म पानी लेके गई थी उनको उठाने। लेकिन देख लो उठ ही नहीं रहे हैं। तो अभी गई हूँ माही के पापा को उठाने, पर वो उठ ही नहीं रहे हैं। अभी कितना बज रहा है पता है, 9 बज रहा है। और मैंने खाना वगैरह चढ़ा दिया है। तो इधर मेरा सारा खाना वगैरह चढ़ा हुआ है, सारी चीज़ें। इधर मैं साग बना रही हूँ, चावल दाल, और इधर आलू बॉयल हो रहा है। और मेरे हस्बैंड को ना कुकर वाली चावल नहीं पसंद है। रात को मैं कुकर में बनाती हूँ और दिन में इस तरीके से डेक्ची या फिर टोपिया में। अभी थोड़ा सा और होने वाला है, इसको होने देती हूँ। तो यहाँ पे लाल साग बना रही थी। और लाल साग को ना अच्छे से जब तक उसको मैश नहीं करो ना, वो खड़े खड़े रहते हैं, इसलिए मैं उनको मैश कर रही थी। और इसकी रेसिपी तो मैंने आपको पहले भी बता रखी है। और उसी के साथ मैं चली गई थी झाड़ू पोछा वगैरह करने, क्योंकि आज मेरी मेड नहीं आई थी इसलिए। तो झाड़ू पोछा करने के बाद सीधे मैं चली जाऊँगी बर्तन वगैरह धोने, क्योंकि किचन भी क्लीन करना है। और उसी के साथ मैं लूँगी सावर। तो ये सारे घर के काम करने के बाद ना मैं सीधे चली गई थी सोने। और शाम को उठी तो माही को खाना था चूड़े का पोहा, तो बस वही बना रही हूँ मैं। तो सिंपली मैंने सरसों का तेल डाला और सरसों के तेल में राई डाली। और आलूओं को मैंने पहले से ही छील के चॉप्ड करके रखा था, तो मैंने आलू डाल दिया। और आलू डालते ही मैंने हरी मिर्च डाली। आपको जितना तीखा खाना है उसके हिसाब से आप हरी मिर्च डाल सकते हो। और उसके बाद हल्दी पाउडर, लाल मिर्च पाउडर और 4-5 लहसुन की कलियों को मैंने कट करके डाला। आलू को पहले हम अच्छे से पका लेंगे। बाद मैंने आलूओं को अच्छे से पका लिए। और चूरा मैंने एकदम लास्ट में वॉश किया, जब आलू पक गए अच्छे से तब मैंने चूरा डाला। इधर मैंने बादाम भी भून के रखा हुआ था, बादाम भी डाल दिया। अब इन सबको अच्छे से मिक्स करके भून लेंगे। इसी के साथ मैंने हल्का नमक और डाला और नींबू का जूस डाला। और उसके बाद हम अच्छे से पोहा को भून लेंगे उसका मॉइस्चर ख़त्म होने तक। जो है बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बना था, आप ज़रूर ट्राई करना मेरे तरीके से। का जो पोहा बनाया था हमने, बहुत ज़्यादा टेस्टी था, बहुत ज़्यादा यम्मी। तो चलो अभी हमने खा लिया। अभी माही को दूध दे देती हूँ और अभी थोड़े से बर्तन वगैरह धोने, जो अभी हम लोगों ने इवनिंग स्नैक्स वगैरह खाया है। तो चलो दूध देती हूँ माही को, बर्तन धोती हूँ और पेट में लगे। और माही का ना एग्ज़ाम्स चालू है। मैंने आप लोगों को बताया था ना कि 6 तारीख से माही का एग्ज़ाम्स चालू है। और ठीक माही का एग्ज़ाम्स जो ख़त्म हो रहा है वो है जीतिया के दिन, जो हमारा फेस्टिवल्स होता है बच्चों के लिए। तो 17 तारीख को जीतिया है। नेट पे मैंने देखा है 17 तारीख को, लेकिन एक दिन आगे पीछे ना, इस बार का सारा त्यौहार एक दिन आगे पीछे चल रहा है। तो 17 को नेट पर देखा है, देखती हूँ कब वो होता है। तो जितिया की भी फास्टिंग करनी है। और सबसे ज़्यादा हार्ड जो होता है ना जितिया की फास्टिंग होती है, बहुत ज़्यादा हार्ड। उसमें ना कुछ कटिंग करना होता है, ना हेयर कॉम्ब करने होते हैं, बहुत ज़्यादा हार्ड होता है ये। माही को दूध दे देती हूँ, दूध पिएगी और फिर वो 8 बजे से पढ़ने जाएगी। और उस कल माही का फिजिक्स का एग्ज़ाम था और माही ने बहुत ही अच्छे से फिजिक्स का एग्ज़ाम दिया है। कल जो एग्जाम्स होने वाले हैं माही के, बायो और ज्योग्राफी है कल का एग्जाम।
माही को प्लेन बॉर्नविटा नहीं पसंद है, उसको ना चॉकलेट वाला बॉर्नविटा पसंद है, इसलिए ना मैं चॉकलेट वाला ही बॉर्नविटा भी मंगा के रख रही हूँ उसके लिए। ये ना लंबी होते जा रही है ना जैसे जैसे, मुझे बार बार आके देखो कैसे पकड़ती, कोई अपनी माँ को ऐसे पकड़ता है, अपने हाइट का फायदा उठाती है। सारे बच्चे ऐसे करते हैं। चलो, आई लव टू चोक माई मोम बट ओनली अ लिटिल बिट बिकॉज द वे शी स्क्रीम्स मेक मी लाफ। तो किचन तो मैंने क्लीन कर लिया, जो हल्का फुल्का इवनिंग स्नैक्स वगैरह जो बना था, तो सारा बर्तन क्लीन कर लिया है, सेल्फ वगैरह सारे क्लीन हो गए। तो कल माही को पता है, कल माही को लंच में ले जाना है इडली, तो उसके लिए चटनी तो रेडी करना पड़ेगा ना, तो अभी मैं बादाम की चटनी बनाने जा रही हूँ। हम सभी को पता है चटनी के बिना इडली का और डोसा का स्वाद बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है। जब तक कि हमें नारियल और बादाम की चटनी नहीं मिले, तब तक इडली डोसा इन सब चीजों की, मतलब ये सब चीज ना बेकार है इसके बिना, चटनी के बिना। तो आज का जो मैं बना रही हूँ बादाम की चटनी, वो थोड़ी सी अलग है, क्योंकि थोड़ा सा एक चीज़ एक्स्ट्रा मैंने डाला है। क्या डाला है अभी दिखाती हूँ। सबसे पहले तो बादाम को मैंने रोस्ट कर लिया है, उसमें दो सूखी लाल मिर्च डाली थी, और यहाँ पे है नारियल, तो नारियल को मैंने कट करके डाल दिया है। यहाँ पे मैंने सूखा नारियल लिया है, आप चाहो तो फ्रेश नारियल भी ले सकते हो। इसी के साथ मैंने हरी मिर्च डाली है और धनिया की पत्ती, ये सारी चीज़ें आप अपने हिसाब से कम और ज़्यादा कर सकते हो। इसी के साथ मैंने यहाँ पे डाला है इमली, तो इमली डालने से ना इसकी टेस्ट बहुत ही अच्छी हो जाती है। और इसी के साथ मैंने नमक डाल दी है, और साथ ही साथ 5-6 लहसुन की कलियाँ डाल दूँगी कट करके, और इसी के साथ मैं इसको मिक्सी में चला लूँगी हल्का सा पानी डाल के, और बस हमारा जो बादाम का चटनी है वो बन के रेडी हो गया है। और इसी के साथ हम इसे क्या करेंगे, छौंक लगा देंगे। तो यहाँ पे मैंने लिया है करी पत्ता, और उसमें डाला है थोड़ा सा ऑयल, ऑयल के साथ मैंने डाला है थोड़ा सा उड़द का दाल। इसी के साथ मैंने यहाँ पे ली है राई, और इसके साथ मैं डालूँगी दो सूखी लाल मिर्च, इसको हल्का भून लेंगे, और इसमें डालेंगे बादाम, जो बादाम की चटनी जो मैंने अभी पीसा है, और मिला लेंगे, चला लेंगे अच्छे से, और मेरी बादाम की यम्मी सी चटनी बन के रेडी है। आप ज़रूर ट्राई करना। खाना वगैरह बन गया है, और आज भी मैंने एग बनाया, पता नहीं 2-3 दिन जहाँ होता है ना माही बस नॉनवेज खाना है, नॉनवेज खाना है। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हो, यहाँ पे आप लोग देख सकते हो फिर से मैंने एग बनाया है, चावल और रोटी, तो यही है आज का नाइट डिनर। माही अभी भी पढ़ रही है, क्योंकि आप लोगों को मैंने बताया है कि उसका एग्ज़ाम चल रहा है, और माही के पापा भी आ गए, माही के पापा अभी डॉग्स को बाहर घुमाने गए। अभी आपको दिखाते कॉर्नर पे वो बैठे हुए हैं, और अभी डॉगे निकला है फ्रेश होने के लिए। फ्रेश होने का मतलब आपको पता चल ही गया होगा। चलो चलो, ये मैंगो आ गया, आते ही भाग रहे। बाप रे बाप, घर पहचानता है कि किस घर में मैंगो, घर भी पहचानता है ना मैंगो क्या। हाँ, अब इंट्री मार गया है, अब इसको चाहिए खाना। चलो भैया, अब इसको खिलाते हैं खाना। क्या मैंगो खाना खाना है? हाँ? इसी के साथ मैं वीडियो का करती हूँ इन एंड आई होप आप लोगों को मेरा ये आज का वीडियो अच्छा लगा हो। अच्छा लगा हो तो प्लीज़ हमेशा की तरह लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और अपने फैमिली एंड फ्रेंड्स के साथ शेयर भी कर सकते हैं। तो फिर मिलती हूँ एक और नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए टाटा बाय बाय एंड टेक केयर, लव यू ऑल।